स्क्वायर रूट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट जैसे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ गई तो इसके अंदर स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट यानी वर्ग मूल हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो अपन इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं जैसे मान लो मैंने लिखा फाइव ट्वेंटी नाइन मान लो मैंने एक नंबर लिखा फाइव ट्वेंटी नाइन मुझे इसका स्क्वायर निकालना है ठीक है तो स्क्वायर निकालने से पहले एक चीज़ आप ये देखो कि अगर मैं जीरो से लेके नौ तक सारे के सारे अंकों का स्क्वायर करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है जीरो का स्क्वायर एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर छः का स्क्वायर सात का स्क्वायर आठ का स्क्वायर और नौ का स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है जीरो यहाँ से मिल रहा है वन यहाँ से मिल रहा है फोर यहाँ से मिल रहा है नाइन यहाँ से मिल रहा है सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन और सिक्सटी फोर और एटी वन क्लियर है तो यहां से यहां से मैं देखता हूं इन सब के अगर मैं यूनिट डिजिट्स देखता हूं यूनिट डिजिट्स इनके जो इकाई वाला अंक है वो कितना है इसमें देखो जीरो ही है इसमें कितना है एक है इसमें कितना है चार है इसमें क्या है नौ है इसमें क्या है इकाई का अंक देखो छह है यूनिट डिजिट इसमें क्या है पांच है इसमें क्या है छ है इसमें क्या है नौ है इसके अंदर क्या है चार है और इसके अंदर क्या है एक है तो एक चीज अपन अगर देखें कि कैसी भी संख्या आ जाए दुनिया में कोई भी संख्या आ जाए जिस जिसके पीछे जिसके जो लास्ट के अंक है वो तो यही होंगे कोई भी संख्या हो उसका जो लास्ट का जो अंक है वो तो फिक्स है जीरो से लेकर नौ के बीच में ही कुछ होगा तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो इन सब के जो यूनिट डिजिट होंगे वही उस संख्या के यूनिट डिजिट होंगे जैसे अगर, अगर मैं बात करूं कि उन्नीस का स्क्वायर अगर मैं बात करूं उन्नीस का स्क्वायर तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था उन्नीस का स्क्वायर उन्नीस का स्क्वायर जो मैंने बताया था वो कितना था थ्री सिक्स वन था 19 का स्क्वायर कितना था थ्री सिक्स वन था तो लास्ट की जो संख्या कितनी है 9 है अब अगर मैं बात करूं 9 का स्क्वायर तो ये भी कितना होता है 81 होता है फिर अगर मैं बात करूं 29 का स्क्वायर तो ये कितना होता है 41 और एट देखो इसके पीछे भी क्या आ रहा है एक आ रहा है मतलब ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके पीछे नौ है तो उसका स्क्वायर करने पर जो संख्या मुझे मिल रही है उसका यूनिट डिजिट देख लो आपको एक ही मिल रहा है हमेशा एक ही मिल रहा है मिल रहा है तो ऐसे कैसे सारे अंकों के लिए भी यही होगा अगर मैं यहाँ पर 18 के लिए चेक करूँ 88 के लिए चेक करूँ तो फिक्स है कि उनका जो स्क्वायर करने पे जो भी अंक मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है चार ही होगा क्लियर है तो ये चीज़ मैंने देखी है कि कोई भी संख्या का कोई भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालते हो कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकालते हो तो जो संख्या है उसके जो इकाई का अंक है वो तो फिक्स है यही होंगे क्लियर है तो अगर इकाई के अंक ये हैं तो उनका स्क्वायर करने के बाद जो संख्या मिलेगी उनके यूनिट डिजिट जो है वो फिक्स है यही होंगे क्लियर है अब इसके अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर एक से लेके जीरो तक सारे के सारे अंक आ रहे हैं सिवाय दो तीन सात और आठ के देखो यहाँ पे एक के बाद दो नहीं है तीन नहीं है लेकिन चार है पाँच है छ है सात नहीं है आठ भी नहीं है और नौ है मतलब जीरो से लेके नौ तक सारे के सारे अंक है बस दो दो तीन सात और आठ नहीं है तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर कोई नंबर के पीछे दो तीन सात या आठ आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ऐसा कह सकते अपन जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के दू फाइव थर्टी सेवन और आपको कह दें कि इसका स्क्वायर रूट निकालो तो यहाँ से मुझे एक चीज तो क्लियर है कि ये अगर पीछे सात आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्लियर है अगर यहाँ पे मान लो मैं एक एग्जाम्पल और लू एक सौ आठ का स्क्वायर देखो लास्ट में कितना है आठ है तो ये फिक्स है कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्लियर है तो जिन अंकों के पीछे दो तीन सात और आठ आ जाए तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकते हैं क्लियर है ये छोटी सी चीज थी अब हम आगे की तरफ चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है तो सबसे पहले देखो क्या करना है स्क्वायर रूट निकालते समय कि जो भी नंबर है उसको दो दो के पैर बना लो लास्ट से पीछे से यहां से ये दो का पैर हो गया इसके बाद ये दो का पैर हो गया जीरो पांच करके क्लियर है अब चेक करो लास्ट का डिजिट कौन है नाइन है लास्ट का डिजिट कौन है नाइन है अब इस टेबल के अंदर देखो कि नाइन कहाँ कहाँ पर आ रहा है एक तो यहां पर आ रहा है नाइन और एक आ रहा है यहां पर नाइन मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसके पीछे या तो तीन होगा और या फिर उसके पीछे क्या होगा सात होगा आ रहा है समुझ में यहां से मैंने यूनिट डिजिट चेक किया कितना है नौ है नौ मैंने देखा कि यहां पे कहाँ कहाँ पर आ रहा है एक तो तीन के सामने आ रहा है और एक सात के सामने आ रहा है मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद संख्या आएगी उसके इकाई का अंक तीन या सात में से ही कुछ एक होगा क्लियर है अब आगे चलते हैं इस पाँच इस पाँच के लिए क्या करना है कि पाँच से छोटी कोई ऐसी संख्या मन में सोचो जो स्क्वायर है और इसके नजदीक तम है तो पाँच से जस्ट छोटा कितना है देखो चार है दो का स्क्वायर कितना बनता है चार बनता है दो का स्क्वायर कितना बनता है चार बनता है देखो चार तो दो का स्क्वायर तो क्या करो यहां पर भी दो लिख लो और यहां पे भी दो लिख लो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है या तो वो ट्वेंटी है और या फिर वो कितना है ट्वेंटी है या तो वो ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी थ्री है और या फिर वो ट्वेंटी सेवन अब इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है मुझे तो उसके लिए क्या करो कि ये जो संख्या है जो दो है ये जो संख्या दो है इसको दो को उसके जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कराओ दो इंटू तीन क्या कितना मिल रहा है छः मिल रहा है दो इंटू तीन क्या कितना मिल रहा है छः मिल रहा है अब ये जो छः है इससे बड़ा है या छोटा है अगर बड़ा है जब तो छोटा वाला आंसर टिक लगा दो और अगर छोटा है तो बड़ा वाला टिक लगा दो देखो छः क्या है पाँच से बड़ा है छः पाँच से बड़ा है मतलब क्या होगा आंसर इसका छोटा वाला होगा और नॉर्मली अपन को पता ही है कि ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर कितना होता है फाइव टू नाइन होता है क्लियर है कुछ एग्जाम्पल अपन और लेते हैं इसके ऊपर ताकि ढंग से क्लियर हो जाए और आपकी इसके जो स्टेप्स हैं वो भी आप एक बार आप ढंग से नोट कर ले कॉपी में ताकि आगे आप जब इसको वापस रिवाइज करो तो आपको याद रहे एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और लूँ छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सात दो और नौ का यू तो अपन को पता है सताईस है लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है तो फिर से देखो नौ जो है किस किस के अंत में आता है नौ जो है या तो तीन के अंत में आता है या सात के अंत में आता है मतलब इसका लास्ट अंक या तो तीन होगा और या सात होगा क्लियर है दो दो के पैर तो बना ही लिए क्लियर है अब आगे का पैर देखो सात है सात से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है चार है चार किसका स्क्वायर होता है दो का होता है तो यहाँ पे भी दो लिख देंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे दो लिख देंगे ठीक है अब क्या करेंगे इस दो को जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो को जस्ट आगे वाले नंबर यानी तीन से मल्टीप्लाई कराते हैं कितना मिल रहा है छह मिल रहा है कितना मिल रहा है छ मिल रहा है देखो छह सात से छोटा है छ क्या है सात से छोटा है मतलब आंसर क्या होगा बड़ा वाला और अगर बड़ा होता तो आंसर क्या होता छोटा वाला आई बात समझ में तो आई होप आपको ये जो लॉजिक है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है एक एग्जाम्पल अगर आप और देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लू 625 का ही लेके देखते हैं छोटा एग्जाम्पल है फिर से दो दो के पैर बना लिए दो दो के पैर बना लिए उसके बाद लास्ट का डिजिट देखो पाँच है चेक करो पाँच किस किस में आ रहा है तो पाँच तो एक में ही आ रहा है देखो पाँच जो है केवल और केवल पाँच के लिए ही आ रहा है पाँच के लिए आ रहा है तो लास्ट का डिजिट तो फिक्स है पाँच ही होगा ठीक है अब छः है यहाँ पे छः से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है चार है किसका है वो दो का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दो ठीक है अब इसके अंदर वापस वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन अपने पास एक ही है पच्चीस ही है सेकंड ऑप्शन ही नहीं है तो इसके अंदर आगे करने की जरूरत भी नहीं है ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हो गया तो आई होप ये जो ट्रिक है आपको स्क्वायर रूट निकालने की समझ में आई होगी यहाँ पे मैं और दस एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ पाँच छः क्वेश्चन अपन करते हैं इसके ऊपर ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए स्क्वायर रूट के अंदर फिर हम आगे चलेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालने के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं और

देखो आपके सामने यहाँ पे पांच क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालने के तो अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं देखो अभी जो मैंने आपको टेबल लिखाई थी सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग दो दो के पैर तो अपन बना ही लेते हैं यहाँ पे अब देखो छः जो भी मैंने यहाँ पे टेबल लिखी थी उसके अंदर देखो छः किस किस के पीछे आता है छः कि... किन किन का स्क्वायर के पीछे आता है देखो एक तो छः के पीछे आता है छः का स्क्वायर और एक आता है चार के स्क्वायर के पीछे मतलब फिक्स है कि इसके जो डिजिट है या तो पीछे चार होगा और या फिर पीछे छः होगा ये बात समझ में उसके बाद इसके आगे वाला पैर देखो कितना पच्चीस है तीस है है? है, क्या, क्या है इकतीस से कम है तीस क्या है इकतीस से कम पहले तो ये पांच पांच यहाँ लिख देता हूं अब देखो तीस क्या है इकतीस से कम है तो आंसर क्या होगा ज्यादा वाला यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया छप्पन हो गया आई बात समझ में और एग्जाम्पल अपन देखें यहाँ पे तो देखो चार किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है तो चार एक तो दो के पीछे आता है दो का स्क्वायर के पीछे और एक आठ का स्क्वायर चौंसठ उस टेबल के अंदर तो आठ और दो के पीछे आता है मतलब या तो अंतिम अंक दो होगा या फिर अंतिम अंक कितना होगा आठ होगा और साठ है साठ से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है साठ से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है फोर्टी नाइन होता है फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन किसका होता है सात का होता है तो सात और सात लिख दिया तो यानी इसका स्क्वायर रूट या तो ये होगा या ये होगा अब इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है तो क्या करो सात को वही उसके आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ रहा है फिफ्टी सिक्स अब फिफ्टी सिक्स देखो साठ से छोटा है या बड़ा छोटा है तो छोटा है तो आंसर क्या होगा फिर से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा क्लियर है यानी इसका आंसर कितना हो गया सेवेंटी एट हो गया आई बात समझ में और एग्जाम्पल अगर अपन इसके अंदर देखते हैं देखो फिर से चार जो है चार किस किस के पीछे आता है तो चार अपन को पता है दो के पीछे आ, दो और आठ दो का स्क्वायर चार और आठ का स्क्वायर स्क्सठ दोनों के पीछे चार आता है। अब देखो आगे वाले जो पैर है चौरासी एट्टी फोर उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है एट्टी वन है एट्टी वन किसका होता है नाइन का होता है तो यहाँ पे, पे मैंने लिख लिया नाइन यहाँ पे मैंने लिख लिया नाइन तो या तो इसका स्क्वायर रूट नाइनटी टू होगा या नाइनटी एट होगा दोनों में से कोई एक होगा अब क्या करो

तो पे पे भी और पे भी और इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 42 और 42 जो है 46 से है से छोटा मतलब आंसर क्या होगा बड़ा वाला आ रहा है समझ में तो मैंने यहाँ पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराए हैं अब आप मन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो और उनको सॉल्व करो मैं यहाँ जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही बता रहा हूं नॉर्मल अगर पॉइंट्स के अंदर आ गए तो या तो उस पॉइंट को हटा के अपन सॉल्व करेंगे या अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा उस के उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है तो मन से दस पंद्रह नंबर आप लिखना और उसके ऊपर जम के प्रैक्टिस करना तो इसके ऊपर स्पीड बन जाएगी और ये लास्ट एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं अपन वन किस किस के अंत में आता है तो एक तो आता है एक का स्क्वायर लास्ट में एक और एक आता है नाइन का स्क्वायर एट्टी वन उसमें भी एक आता है यानी लास्ट में फिक्स है या तो एक होगा या फिर क्या होगा नौ होगा अब ये देखते हैं आगे थर्टी फोर थर्टी फोर से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है ट्वेंटी फोर है ठीक है ट्वेंटी फोर किसका होता है फाइव का तो फाइव 5 और फाइव 5 लिया आप दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है तो क्या करो फाइव को जो उसके जस्ट आगे वाले नंबर यानी 6 से मल्टीप्लाई करा लो कितना आ रहा है थर्टी थर्टी क्या छोटा है? है तो ये ये जो थी ट्रिक थी स्क्वायर रूट की तो आई होप आपको ये जो तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का समझ में आया होगा अब हम आगे चलते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं क्यूब रूट के सवालों को किस तरीके से करना है तो हम अपन इसके अंदर देखते हैं क्लियर क्यूब रूट क्यूब रूट निकालने से पहले क्यूब के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि क्यूब के लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप तीस तक जो है डायरेक्टली याद रख लो उनकी ट्रिक अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप इससे अच्छा कन्वेंशनल मेथड ही लगा लो तो इससे अच्छा तीस तक याद कर लो वो एनफ है उनसे सारा का सारा आपका काम हो जाएगा कैसा भी एग्जाम हो क्लियर है अब आगे हम चलते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए तो क्यूब रूट के लिए भी एक बार मैं क्या करता हूँ कि एक से लेके जीरो से लेके नौ तक सारे के सारे एक बार आपको क्यूब रूट यहाँ पे लिखवा देता हूँ तो कितने होते हैं इन सब के देख लेते हैं क्यूब रूट दो का क्यूब तीन का क्यूब चार क्यूब पांच का क्यूब छः का क्यूब सात का क्यूब आठ का क्यूब और नौ का क्यूब क्लियर है अब देखते हैं आगे जीरो का स्क्वायर जीरो वन का स्क्वायर कितना होता है वन टू सॉरी क्यूब टू का क्यूब कितना होता है एट थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन फोर का क्यूब कितना होता है सिक्सटी फोर फाइव का क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव सिक्स का कितना होता है टू वन सिक्स सेवन का हो गया थ्री फोर थ्री एट का हो गया फाइव वन टू और नाइन नाइन का हो गया सेवन टू नाइन जीरो से लेकर नौ तक एक बार मैंने सारे के सारे यहाँ पे क्यूब रूट देख लिए अब फिक्स है कि आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालो ये तो फिक्स है कि लास्ट के जो डिजिट होंगे वो इन्हीं में से होंगे या तो जीरो होगा या एक होगा या आठ होगा या सात होगा या चार होगा या पाँच या छः या तीन या दो या फिर नौ जैसा स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा था कोई भी नंबर हो वो है तो फिक्स या इन्हीं में से किसी पे खत्म होगा और अगर इनमें से खत्म हो रहा है तो उनके यूनिट डिजिट जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने जो है वही होंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जीरो से लेकर नौ तक सारे के सारे अंक आ रहे हैं जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ तो मतलब क्यूब रूट निकालते समय कोई पाबंदी नहीं है लास्ट में कोई भी अंक हो सकता है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर क्या था कि लास्ट में दो तीन सात और आठ नहीं हो सकते थे तो कभी कोई एग्जाम्पल आ जाए कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको पूछ ले चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एग्जाम ऑप्शन जो है वो कुछ इसी तरीके से सेट हो तो आप वहाँ से सबसे पहले अप्रोच क्या करो कि दो तीन और सात आठ तो कई नहीं है अगर ऐसा है तो सीधा उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्लियर है तो अब यहाँ पे फिलहाल अपन क्यूब रूट देखते हैं तो फिक्स है कि यूनिट डिजिट जो है वो इन्हीं में से कोई होंगे जीरो से लेकर नौ तक सारे के सारे आ गए ठीक है अब क्यूब रूट निकालते है कैसे है? उसकी तरफ अपन चलते हैं तो छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लू नाइन टू सिक्स वन नाइन टू सिक्स मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है कैसे निकालते हैं क्यूब रूट तो एक फिर से क्या करो स्क्वायर रूट के अंदर अपन क्या करते थे दो दो के पैर बनाते थे यहां पे तीन तीन लो यहां पे लास्ट से तीन ले लिए और उसके आगे के तीन तो जीरो जीरो लगा के हो गए ठीक है तीन तीन के पैर बना लिए अब देखोगे इसका लास्ट का अंक कितना है एक है और उसमें देखो एक किसके पीछे आ रहा है एक जो है केवल एक के पीछे आ रहा है मतलब इसका जो भी क्यूब रूट होगा घनमूल जो भी होगा उसके अंत में तो एक ही होगा ये तो फिक्स है क्लियर है एक ही होगा ये तो फिक्स है अब आगे क्या है नौ है तो नौ से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर देखो नौ से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर देखो कितना होता है आठ होता है देखो आठ होता, होता है दो का तो दो का होता है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दो लिख लेंगे यानी इसका जो क्यूब रूट है वो कितना होगा ट्वेंटी नाइन होगा आई बात समझ में तो क्यूब रूट निकालने का बस सिंपल सा तरीका है कि लास्ट का जो अंक है वो चेक कर लो वहां से चेक कर लो किसके आगे आ रहा है वो तो इका अंक हो गया और आगे वाला जो अंक है वो कहाँ से मिलेगा कि इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है वो यहाँ पे लिख लो और आंसर आ जाएगा इसके अंदर दो ऑप्शन भी नहीं है ऑप्शन हमेशा एक ही मिलेगा क्योंकि देखो कोई भी जो अंक है रिपीट नहीं हो रहा है तो इसके अंदर वो एलिमिनेशन वाली भी बात नहीं है यानी इसका डायरेक्ट आपको आंसर कितना मिल गया ट्वेंटी वन तो कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए इसके अंदर ये स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान रहता है निकालने में क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑप्शन अपन को मिलता है करने के लिए क्लियर है तो ये जो क्यूब रूट का एक छोटा सा तरीका था वो आपको याद रखना है समझ में आया होगा इसके अंदर भी आप क्या करो मन से एक बार दस से पंद्रह क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर लो और उनके क्यूब रूट निकाल के देखो तो इसके अंदर भी आपकी क्या अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है अब लास्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को खत्म करने से पहले एक छोटी सी एक ट्रिक और है वो मैं बता दूंगा बता देता हूँ उसके बाद हम आगे चलते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर और क्या क्या बनता है ये जो मैंने अब तक बताया था आपको कैलकुलेशन फास्ट करने की टिप्स बताई थी कुछ अब आगे चलते हैं रियल में नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लास्ट के जो ट्रिक है इसके अंदर वो देख लेते हैं और यूँ मैं आपको जैसे जैसे सिलेबस चलेगा उनकी जो ट्रिक्स है मैं आपको उसके साथ साथ में रन कराता रहूंगा ये जो बेसिक्स होते हैं कुछ मैथ्स के स्पीड फास्ट करने के लिए ये आना जरूरी होता है तो कुछ नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रिपीटेशन होता है एक का जैसे मान लो मैं एक का स्क्वायर की बात करूं या मैं ग्यारह के स्क्वायर की बात करूं या एक सौ ग्यारह के स्क्वायर की बात करूं या वन 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 के, के स्क्वायर की बात करूं या पांच बार वन के स्क्वायर तो की बात करूं ठीक है मतलब ऐसे कोई नंबर हो जो केवल वन वन से बने हैं और वन जो रिपीट हो रहा है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालना है तो क्या करो वन का स्क्वायर तो पता ही है वन होता है यहां पर देखो वन और वन कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है तो दो बार लिखो एक और दो दो तक गिनती लिख दो एक और दो और फिर उसको वापस उल्टा शुरू कर दो दो के पहले क्या आता है एक आता है तो ये हो गया वन टू वन इसके लिए देखते हैं सेम अप्रोच लगा के तीन बार है तो तीन तक लिखते हैं वन, थ्री, और फिर उल्टी गिनती शुरू कर दो टू और वन यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया वन टू थ्री टू वन क्लियर है इसका स्क्वायर अगर अपन निकालते हैं तो देखो चार बार है तो चार तक लिखते हैं वन टू थ्री फोर और फिर उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं थ्री टू और वन क्लियर है तो इसका इसका परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर कितना कितना हो 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 गया तो हो गया 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 तो तो ये 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 उसके बाद ये पांच तक है तो पांच तक लिखते हैं एक दो तीन चार और पांच और फिर उल्टी गिनती शुरू करते हैं तो चार तीन दो और एक आई बात समझ में मतलब कोई भी ऐसा अंक है जो एक एक, एक एक करके रिपीट हो रहा है तो आप उसका स्क्वायर जो इस तरीके से निकाल सकते हो पहले तो सीधी गिनती लिखो उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर दो ठीक है आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखो इन सबका स्क्वायर कैसे निकालना अपन ने देख लिया अब ऐसे संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं जो केवल एक एक, एक एक से बनी है जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ वन 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 इन टू वन 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 ये कितनी बार है तीन बार है और ये कितनी बार है पांच बार है इसके अंदर देखो एक कितनी बार आ रहा है तीन बार आ रहा है सबसे पहले और इसके अंदर देखो एक कितनी बार आ रहा है पांच बार आ रहा है सबसे पहले इतना देख लिया ठीक है उसके बाद क्या करो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दो आ रहा है ठीक है अब छोटा वाला नंबर जो है छोटा वाला नंबर कितना है एक सौ ग्यारह एक सौ ग्यारह के अंदर देखो कितनी बार आ रहा है एक तीन बार आ रहा है तो तीन तक गिनती लिख दो एक दो और तीन अब क्या करो इस तीन को जो है, रिपीट कर दो कितनी बार इन दोनों के डिफरेंस जितने के दो है डिफरेंस तो दो बार रिपीट कर दो कितनी बार तीन, तीन और तीन आ गया और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर देंगे दो और एक आई बात समझ में तो जब ऐसे नंबर्स का गुणा करवाना है अपन को जिसको जो केवल एक एक से बने हैं तो उनको इस तरीके से टैकल करना है एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसके अंदर जैसे मान लो वन 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 इंटू वन 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 ये ले लिया तो इसके अंदर देखो एक कितनी बार आ रहा है चार बार आ रहा है और इसके अंदर देखो एक कितनी बार आ रहा है सात बार आ रहा है ठीक है अब क्या करो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो डिफरेंस कितना आ रहा है तीन आ रहा है इनका डिफरेंस कितना है तीन है ठीक है तो अगर इनका डिफरेंस तीन है तो सबसे पहले तो चेक करो कि छोटा कौन है छोटा है चार है ठीक है तो चार तक गिनती लिख दो एक दो तीन और चार अब लास्ट का अंक रिपीट करना है कितनी बार रिपीट करना है तीन बार रिपीट करना है तो चार चार और चार आ गया उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर देंगे तीन दो और एक आई बात समझ में तो ये कुछ तरीके हैं जिस जो केवल एक एक से बने हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है देखो हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक नहीं होती है ट्रिक्स जो है उनकी लिमिटेशन भी होती है तो जो जो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है जो यूजली काम आती रहती है वो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ उसके बाद अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं ऑप्शन से कैसे लगाते हैं वो अपन आगे देखते जाएंगे ठीक है जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपको चाहिए वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ तो करना है और उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अपन ने देख लिया बस एक लास्ट छोटी सी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक जो है वो देखते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले एक लास्ट जो है कैलकुलेशन टिप जो है वो खत्म करते हैं अगर आप कोई ऐसे नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जो दो डिजिट का है और वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से रिवर्सिबल है एक दूसरे के जो रिवर्स है जैसे मान लो आप ऐड करने जा रहे हो टू नाइन और नाइन टू को जैसे आप डिवाइड कर ऐड करने जा रहे हो टू नाइन और नाइन टू को आपस में देखो एक दूसरे के उल्टे हैं और दो डिजिट के हैं जैसे मान लो आप ऐड करने जा रहे हो एट्टी वन को और एटीन को ठीक है जैसे मान लो आप फिर से ऐड करने जा रहे हो 93 और 39 को तो ये जो नंबर हैं वो दो डिजिट के भी हैं और आपस में कैसे हैं रिवर्स में भी हैं तो इस टाइप के नंबर को जब ऐड करना है तो आप क्या करो 11 इंटू अंकों का सम कर दो बस 11 इंटू अंकों का सम कर दो तो 11 इंटू अंकों का सम का मतलब क्या है कि ग्यारह तो हो गई और अंकों का योग दो और नौ कितने हो गए ग्यारह होता है और ग्यारह इंटू कितने होता है वन वन होता है यानी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो डायरेक्टली कितना आएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यूँ तो आप डायरेक्टली ऐड कर ही सकते हो लेकिन आप अगर जम के प्रैक्टिस कर लेते हो तो वन ट्वेंटी वन जो है आप तुलनात्मक रूप से जल्दी निकाल पाओगे कन्वेंशनल मेथड की तुलना में ठीक है यहां पर देखते हैं ग्यारह इंटू सम कितना है नाइन है तो नाइन से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है नाइनटी नाइन यानी इसका एडिशन कितना होगा नाइनटी नाइन होगा लास्ट वो देखते हैं ग्यारह इंटू इनका सम देखो कितना आ रहा है बारह आ रहा है और 11 इंटू बारह कितना होता है 132 होता है यानी इसको जब ऐड किया तो मुझे कितना मिल रहा है 132 हो रहा है तो ये जो है कुछ तरीके हैं जो आप दो डिजिट के नंबर को ऐड करते हो तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो इससे और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो डिजिट के नंबरों को इन्हीं को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इसी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करू तो क्या हो रहा है देखते हैं तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या करो नाइन इंटू डिफ्रेंस कर दो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या कर दो नाइन इंटू डिफरेंस कर दो तो नाइन इंटू इनका डिफरेंस कितना है सेवन है तो सेवन ठीक है तो ये कितना हो गया नाइन इंटू सेवन कितना हो गया सिक्सटी थ्री अब सी बात है ट्वेंटी नाइन में से नाइन्टी टू घटाओगे तो वो माइनस का ही मिलेगा तो माइनस आप लगा दिया आगे ठीक है उसके बाद इसको देखते हैं तो क्या करेंगे नाइन इंटू डिफरेंस डिफरेंस कितना है इनका सात है और नाइन इंटू सेवन फिर से कितना होता है सिक्सटी थ्री होता है नाइन इंटू सेवन कितना होता है सिक्सटी थ्री होता है तो इसका भी आंसर कितना हो गया सिक्सटी थ्री हो गया क्लियर है उसके बाद इसको देखते हैं कि यहाँ पे फिर से नाइन इंटू इनका डिफरेंस कितना आ रहा है छः आ रहा है तो छः इसका मल्टीप्लाई करा लिया तो कितना आ रहा है फिफ्टी कितना आ रहा है फोर्टी फोर्टी फोर आ रहा है सॉरी फिफ्टी फोर आ रहा है तो इनका जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया फिफ्टी फोर मतलब जब भी सेपरेट करने जा रहा हो तो क्या करो नाइन इंटू डिफ्रेंस कर लो ठीक है तो ये छोटे से जो तरीके थे कैलकुलेशन के अब लास्ट जो है एक तरीका और है टू डिजिट का सॉरी थ्री डिजिट का थ्री डिजिट के कोई ऐसे नंबर हो जो लगातार चल रहे हैं लगातार चल रहे हैं वन टू थ्री ऐसे ऐसा करके लगातार चल रहे हैं और जो दूसरा नंबर जो है उसका जस्ट रिवर्स है जैसे मान लो मैं बात करूँ थ्री टू वन की ठीक है अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस जो है वो फिक्स है वन नाइन्टी एट ही आएगा आप निकाल के भी देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस है वो फिक्स है वन नाइन्टी एट ही आएगा क्लियर है इनका जो डिफरेंस है वन नाइन्टी एट आएगा आप देखो प्लस है और ये माइनस का है बड़ा ये वाला है तो यहाँ पर सी बात है माइनस का साइन आएगा ये छोटी सी ट्रिक है कि जब भी आप तीन डिजिट के नंबर को सेप्रैक्ट करने जा रहे हो और दोनों नंबर जो है आपस में एक दूसरे के रिवर्सिबल है तो उसका आंसर जो है फ़िक्स है कि वन नाइन्टी एट ही आएगा जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ आपके सामने पाँच छः और सात इसका जस्ट उल्टा अगर मैं देखूँ कितना होता है सात छः और पाँच होता है सात छः और पाँच होता है अब इसका जो डिफरेंस है आप निकाल के भी देख सकते हो नॉर्मली नॉर्मल मेथड से तो आप देख देखोगे यहाँ पे मिल रहा है आठ और यहाँ पे कितना मिलेगा नौ और यहाँ पे कितना मिलेगा वन तो कोई भी तीन डिजिट नंबर जो एक तो क्या है लगातार चल रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है आपस में कैसे हैं रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है, है तो उसका जो अंतर है वो फिक्स है कितना ही होगा वन नाइन एट होगा इसका अंतर कितना होगा वन नाइन एट होगा आई बात समझ में अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है ऐसे ऐसे के अंदर वो क्वेश्चन क्या था यहां पर मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के हंड्रेड डिजिट का छासठ गुणा का छसठ गुणा उस संख्या और उस संख्या के रिवर्स के डिफरेंस के बराबर है डिफरेंस के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी देखो यह सीजीएल के अंदर आया हुआ एक सवाल है। सवाल है क्या कह रहा है कि किसी संख्या के हंड्रेड्रेड डिजिट का 66 गुणा, उस संख्या और उस संख्या के रिवर्स के डिफरेंस के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी वो मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन देखता हूँ ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में जो आएगा कितना आएगा वन आएगा क्योंकि फिक्स है कि कोई नंबर है अगर वो कंटिन्यूस में चलता जा रहा है और उसका जो रिवर्स है उसका डिफरेंस जो है फिक्स है वन नाइन्टी एट आता है इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो जम, अंक जो है वो कंटिन्यूअस में है ठीक है तो वन नाइन्टी एट तो होगा हो ही होगा आगे ये क्या कह रहा है कि हंड्रेड डिजिट का हंड्रेड डिजिट का सिक्सटी सिक्स गुणा है हंड्रेड डिजिट का सिक्सटी सिक्स गुणा है मतलब मान लो अगर हंड्रेड डिजिट एक्स है तो इसका सिक्सटी सिक्स गुणा है ठीक है तो यहाँ से मुझे x कितना मिल रहा है वन नाइन्टी एट अपॉन सिक्सटी सिक्स कितना आ रहा है थ्री थ्री यानी इसका जो भी हंड्रेड डिजिट है वो कितना होगा सिक्स थ्री uh, होगा यानी yani, ये तो फिक्स है कि तीन ही होगा अब आगे ये नंबर फिक्स है क्वेश्चन में भी लिखा है कि ये जो नंबर है कंटिन्यूस में चलता जा रहा है तो इसके आगे क्या आएगा चार आएगा और फिर क्या आएगा पाँच आएगा यानी yani, इसका आंसर क्या हो गया तीन सौ पैंतालीस इसका आंसर हो गया क्लियर है तो सीजीएल के अंदर छोटा सा एक सवाल आया था जिसको ये चीज़ अगर याद है तो वन नाइनटी एट से कर सकता है नहीं तो इसका बड़ा तरीका हो जाता है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा नंबर सिस्टम के अंदर जो जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू रखेंगे और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं जो वीडियो जो यहाँ पे कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग आवर वीडियो